तो गाइज अगर आप लोगों को 2024 में अपने शॉर्ट वीडियोस को जो है वायरल करना है तो आप लोग को जो है बड़े बड़े क्रिएटर्स को टारगेट करना है, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है यूट्यूब के, ठीक है। सबसे पहले मान लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कैरी मिनाडी, ठीक है। इनके चैनल पर सब्सक्राइब कितने हैं, 41 मिलियन, 41.7 मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। उसके बाद इनके वीडियोज में व्यूज कितने आते हैं, यहाँ पे आप लोग सामने देखो इनके वीडियोज में व्यूज कितने, 31 मिलियन, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियोस को डालना होगा। वो कैसे, जब तक वहां पे नहीं डालोगे तब तक जो है आप लोगों का वीडियोस वायरल नहीं होगा। मैं यहाँ पे सिंपल से दिखाता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे अपनी वीडियोस को यहाँ पे लाना है। जब तक आप लोग यहाँ पे नहीं लाओगे तब तक जो है आप लोगों का वीडियोस वायरल नहीं होगा। यहाँ पर लाके वो भी आप लोगों को यहाँ पे 1 से 2 नंबर पर लाना है अपनी वीडियोस को, अपने शॉर्ट वीडियोस को, तभी जाके आप लोगों का जो शॉर्ट वीडियोस है वो वायरल होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2024 में कंपटीशन बहुत है, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, यूजर्स कम है, क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कुछ अलग और हटके करना होगा अपनी वीडियोस को, किस तरीके से बड़े बड़े क्रिएटर्स के डिस्क्रिप्शन में लगाना होगा ताकि आपका जो वीडियो है वो वायरल जाए। वो भी गाइस आप लोगों को नंबर 1 पे लाना होगा। जैसे यहाँ पे देखो नंबर 1 पे ये वीडियो है, इसमें कितने व्यूज है, 6 मिलियन। उसके बाद नंबर 2 पे जो वीडियो है उसमें कितने व्यूज है, 1,91,000। उसके बाद नंबर 3 पे जो वीडियो है उसमें कितने व्यूज है, 65,000, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला जो वीडियो है वो दिखाता हूँ आप लोगों की, इधर कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट वाले ऑप्शन, अगर इस तरीके से आपका जो वीडियो है नीचे चल जाता है आपके वीडियो, तो इसमें व्यूज नहीं आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो 6,000, जो कि ये बहुत कम है, फिर भी आप लोगों के लिए बहुत है। आपके वीडियोस में कितने भी आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, 80 या फिर ज्यादा से ज्यादा 1,000, उतने ही तक आप लोग जो व्यूज है वो रुक जाते हैं आपके शॉर्ट वीडियोस में आने के से, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग को बड़े बड़े क्रिएटर्स को टारगेट करना, जो जैसे कि कैरे मिनाटी हो गया, संदीप महेश्वरी हो गया जो कि मोटिवेशन स्पीकर है, ठीक है। उसके बाद टेक्नो गेमर हो गया और टोटल गेमिंग हो गया, मतलब जितने भी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको टारगेट करना है और उनके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अपनी शॉर्ट वीडियोस को ऐड करना है। तो वो किस तरीके से, पूरा का पूरा जेन्युइन तरीका बताऊंगा, इसलिए आज की इस वीडियो को मिस मत करना। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इस तरीके का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। जब तक बेल आइकन ऑन नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दो तो बेल आइकन भी ऑन जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे आप लोगों को होने वाला है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, लोग अपने शॉर्ट वीडियोस को वायरल करना चाहते हो तो इस वीडियो को फुल देखना बिना स्किप किए। अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देते हो तो आप लोग को जो सेटिंग्स है जो मैं बताऊंगा बड़े बड़े क्रिएटर्स के डिस्क्रिप्शन में आने के लिए, वो आप लोग नहीं ला सकते और बाद में फिर पछताओगे कि भाई मेरा शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ से बैग जाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही बैग जाता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब जो भी चैनल है आपका उस चैनल को लॉगिन करना। जैसे आप लोग लॉगिन करोगे, ठीक है, उसके बाद जिस भी क्रिएटर्स की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आना चाहते हो, जो भी क्रिएटर्स के जिस भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आना चाहते हो, मान लो मैं कैरी मिनाटी की वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं आना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल से मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे आके कैरी मिनाटी सर्च कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने का भी तरीका बताऊंगा, उसके बाद किस तरीके से नंबर 1 पे आओगे, ठीक है, वो भी चीजें बताऊंगा। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। मान लो मुझे इस वीडियो में एड होना है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, ठीक है। सिंपल से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 पे ये वीडियो है, उसमें 6 मिलियन व्यूज है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हो रिमिक्स वाला, ठीक है। रिमिक्स वाला जो ऑप्शन है जस्ट आप लोग इसमें क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, साउंड, ठीक है, कोलैप, ग्रीन स्क्रीन, उसके बाद कट। तो आप लोगों को इसमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग को दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कोलैप वाला, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट नहीं करना है, ना ही साउंड को सेलेक्ट करना है, ना ही कट को, ठीक है। आप लोग क्या करना है, कोलैप वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, कोलैप वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग को यहाँ से एक बेस्ट पार्ट, ठीक है, यानी कि बेस्ट जो पार्ट है जिसे देखकर लोग ये समझे कि भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो उस बेस्ट पार्ट को आप लोग को जो है ऐड कर लेना। जैसे मैं मान लो यहाँ पे आप लोग को 1 मिनट से नीचे जो है वीडियोस को रखना है, तो मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आप लोग को, 15 सेकंड का एक क्लिप जो है मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड मान लो गाइस मुझे ये क्लिप अच्छा लगा, ठीक है, बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा उसके थोड़ी देर बाद आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, तभी जाके आप लोग शॉर्ट जो है अपने वायरल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड जैसे आप लोग प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो है उनकी वीडियोस रहेगी और यहाँ पे आपकी जो वीडियोस है वो आएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जस्ट देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को प्ले लिस्ट लेआउट पे क्लिक करना है, ये लेआउट का जो ऑप्शन दिख रहा है जस्ट आप लोग इसमें क्लिक करना है।
जैसे आप लोग इसमें क्लिक करोगे यहाँ से क्या होगा गाइस, यहाँ से जो है वीडियोस का जो सेक्शन है ना वो आप लोग साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी अपनी वीडियोस दिख रहा है ये आपकी वीडियोस, इसको ऊपर ला सकते हो और इसको नीचे ला सकते हो, इसको इधर ला सकते हो और इसको इधर ला सकते हो, मतलब ठीक है, मतलब चारों तरफ इसको रोटेट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें देखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इस डब्बे मैंने जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद जो मेरी वीडियोस है वो ऊपर आ चुकी है एंड उनकी जो वीडियोस है वो नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस वाले वीडियोस को सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है एंड आप लोग का चॉइस है, आप लोग किसी भी एंगल में इसको सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी राइट टॉप ठीक है बटन एंड जो भी आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़े एंड सेलेक्ट करना चाहो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है मेरे सामने शेप हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे म्यूट वाला जो ऑप्शन है ये वाली ठीक है, इसको क्या कर देना है आप लोगों को डिसेबल कर देना है। ठीक है, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला वीडियोस वाला, उसके बाद इसको जस्ट क्लिक करना है और जस्ट क्लिक करके आप लोगों को कुछ बस ऐसे थोड़ा सा रिएक्शन देना है। इस पे ना ही कॉपीराइट का झंझट आएगा और ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक देगा, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस को अगर कोलैब करते हो तो उसमें कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह को कोई भी झंझट नहीं देता है वो। ठीक है, खास करके छोटे क्रिएटर्स को कॉपी करोगे तभी जाके झंझट पड़ेगी। ठीक है, अगर बड़े क्रिएटर्स को कॉपी करते हो तो उसमें तो ऐसे यार मान लो कि स्ट्राइक वगैरह तो आएगी नहीं, तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना होगा ये रेड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आप लोगों को जस्ट जो है क्लिक करना है। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे इस वीडियो को देख देख करके मैं कुछ भी रिएक्शन देता हूँ, आपका जो मर्जी है वो रिएक्शन देना। ठीक है, जैसे इस वीडियो में क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिएक्शन देता हूँ कुछ भी। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसको देख करके यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ अभी एंड ये ऐसा है। ठीक है, तो कुछ भी एंड यहाँ पे देखो मेरा रिएक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे मैंने कोलैब कर लिया। उसके बाद जस्ट आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है जस्ट आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। जस्ट आप लोग पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करोगे, जैसे ही पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को बेस्ट सा एक थंबनेल चूज करना है। ठीक है, बेस्ट सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लो मुझे ये जो है थंबनेल बेस्ट लगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बढ़िया से उठाना है। ठीक है, मैं जैसे पा रहा हूँ ऐसे बता दे रहा हूँ, बस आप लोगों को ट्रिक जो है अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। बस आप लोग जो है आप लोग अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है वीडियोस को एडिट करना एंड सही जगह चिपकाना, तभी जाके आप लोग का जो वीडियोस है वो वायरल होगा एंड उनके सामने जो है वो एड होगी। उसके बाद आप लोग क्या करना है, डन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डन वाले जो ऑप्शन है उसमें जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही मैं डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल क्या लिखना है ध्यान से सुनो, क्योंकि टाइटल पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपकी वीडियोस को वायरल करने के लिए टाइटल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले इमोजी देता हूँ एक हंसने वाली इमोजी। ठीक है, क्योंकि देखो यार अगर हंसने वाली इमोजी दोगे तो ओपोनेंट भी सोचेंगे, जो व्यूअर्स हैं आपके वो भी सोचेंगे भाई वीडियोस बहुत ज्यादा फनी है, क्योंकि फनी वीडियोस बहुत ज्यादा चलते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वेट फॉर एंड। देखो यार इस टाइटल को जब लिखोगे इससे क्या होगा आपको मैं ध्यान से बताता हूँ, पहले इसको मैं लिखता हूँ ठीक है वेट फॉर एंड, उसके बाद फिर से मैं कोई हंसने वाली इमोजी लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद करना क्या ध्यान से सुनो, वेट फॉर एंड जैसे लिखोगे, वेट फॉर एंड का मतलब क्या होता है कि वेट करो एंड तक देखो वीडियो को कुछ ना कुछ खास होने वाला है, तो ऑडियंस को ये लगेगा कि भाई वेट करते हैं एंड तक, शायद एंड में कुछ खास होने वाला है या फिर खास चीजें हैं एंड में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग एंड तक देखते हैं। अगर आप लोग का जो व्यूअर्स है वो एंड तक वीडियोस को देखते हैं, जो भी व्यूअर्स है आपके सामने आएंगे और वो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो YouTube को ये लगेगा आपका वीडियोस को जो क्वालिटी है एंड आपका जो वीडियो का कंटेंट है वो बहुत अच्छा है एंड YouTube को जो पसंद आएगा और YouTube इसे इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे भेजेगा, क्योंकि YouTube की वो पसंद है एंड ऑडियंस की वो पसंद है और ऑडियंस उसे फुल देखते हैं उस वीडियो को। ठीक है, YouTube जो है इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिकमेंड करेंगे और इसका बहुत ज्यादा रीच भेजेंगे। ठीक है, सब आप लोगों को क्या करना है, तो इस तरीके का जो है आप लोगों को टाइटल जरूर लगाना है। ठीक है, जरूर यूज करना है ताकि आपका जो वीडियो है वो 100% वायरल जाए। उसके बाद जस्ट आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप लोगों को हैड शॉर्ट यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैड शॉर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हैड शॉर्ट्स यूज कर लेना है, ये आप लोगों को जरूर यूज करना है क्योंकि आप लोग अपने शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करोगे और हैश का शॉर्ट्स नहीं लगाओगे, हैशटैग नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, सबसे पहले हैश शॉर्ट लगा दिया, उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, दूसरा हैश शॉर्ट, यहाँ पे ध्यान से सुनो, दूसरा हैशटैग लगाऊंगा मैं हैश वायरल। ठीक है, हैश वायरल, उसके बाद देखो हैश ट्रेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ मैं हैश ट्रेंडिंग, यहाँ पे मैंने तीन लगा दिया। उसके बाद आप वीडियोस किसकी कॉपी कर रहे हो, कैरी मिनाटी की वीडियोस को आप कॉपी कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, हैश कैरी मिनाटी भी लगाना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट क्या करता हूँ, सिंपल से क्लिक करता हूँ, उसके बाद हैश लिखता हूँ, उसके बाद कैरी मिनाटी का नाम लिखता हूँ। जैसे ही मैं कैरी मिनाटी का नाम लिखूंगा
तीसरे वाले ऑप्शन पे आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैरी मेनाटे भी यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद और एक चीज आप लोगों को करनी है मेंशन। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एट द रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे एट द रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद आप लोग क्या लिखना है यहाँ पे कैरी मेनाटी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरी मेनाटी, जैसे आप लोग कैरी मेनाटी लिखोगे नंबर वन पे जो है उसका चैनल आ जाएगा नंबर टू पे, ठीक है। एक है उनका मेन चैनल, उसके बाद दूसरा है उनका लाइव जो गेमिंग वगैरह करते हैं, ठीक है वो है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग को इस वाले चैनल को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ आप लोग का जो टाइटल है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा जो है अट्रैक्टिव टाइटल है, यहाँ पे ऑडियंस देखते ही आपकी वीडियो को क्लिक कर लेंगे। जस्ट मैं क्या करूंगा उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अनलिस्टेड पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे अनलिस्टेड वाला ऑप्शन दिख रहा है, अनलिस्टेड पे आप लोगों को हमेशा अपनी शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अनलिस्टेड रहने देता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट ऑडियंस, सेलेक्ट ऑडियंस को यहाँ पे क्या करना है, नो इट्स नॉट मेड फॉर काइंड्स, वो वाले सेलेक्ट करके रखना है, दूसरा वाला, ठीक है। इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, उसके बैक जाता हूँ। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अपलोड शॉर्ट्स, यहाँ पे अपलोड शॉर्ट्स का ऑप्शन है, जस्ट आप लोग इसमें क्लिक कर देना है। जैसे इसमें आप लोग क्लिक करोगे आपका जो वीडियो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बस आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग को भी ऐसे करना है, बस इसको अपलोड करके कुछ ऐसी सेटिंग करना है। और भी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को करना है, अपलोड करने के बाद आप लोगों को कौन सा टाइटल यूज करना है एंड कौन सा कीबोर्ड यूज करना है और कौन सा टैग लगाना है, वो भी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से सुना, कहां से आप लोगों को टैग लगाना है और कहां से आप लोगों को कीबोर्ड लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ व्यू चैनल में जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैनेज वाला ऑप्शन में जाता हूँ एंड मेरी जो वीडियो है वो अभी अपलोड हो रही है, ठीक है। जैसे अपलोड हो जाती है उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जाके वाईटी स्टूडियो पे जाके, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग साइड में देख सकते हो मैं अपने वाईटी स्टूडियो पे आ चुका हूँ और मेरी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, पेंसिल वाले आइकन पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप लोग पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करोगे, ध्यान से सुना मैं क्या बताने की कोशिश करो, सबसे पहले आप लोग क्या करना, जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ उसके कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके जाना है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इस टाइटल को ऐड करना है। जैसे इसको ऐड करते हो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को बैक जाना है, ठीक है। बैक जाके और एक बार फिर से आप लोगों को बैक जाना है। उसके बाद यहाँ पे टैग वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, जस्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और उसी टाइटल को यहाँ पे भी आप लोगों को पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग इसको पेस्ट करते हो उसके बाद फिर से आप लोगों को बैक जाना है, ठीक है। जैसे ही बैक जाओगे उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को टैग और कीबोर्ड लेने के लिए आप लोगों को जाना है सीधा गूगल पे, ठीक है। मैं गूगल पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि गूगल पे आप लोगों को क्या सर्च करना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है रैपिड टैग, ठीक है, रैपिड टैग ऑन यूट्यूब, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख लेना है। उसके पहले ऑप्शन पे ये ऑप्शन जो है आ जाएगा, उसके बाद जस्ट आप लोगों को इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। उसके बाद आपने किस पर वीडियोस बनाया, कैरी मेनाटी पर, कैरी मेनाटी की वीडियोस पर आप लोगों ने कॉलेब किया है, तो सिंपली से यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, कैरी मेनाटी, ठीक है। सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कैरी मेनाटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैरी मेनाटी। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को सर्च कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे जितने भी टाइटल टैग वगैरह है सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जस्ट आप लोगों को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी वाला ऑप्शन आप लोगों को नीचे में दिखेगा, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है, इसको कॉपी टैग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं स्क्रीन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, एरो का ऑप्शन दिखा करके यहाँ पे जस्ट मैं कॉपी टैग्स कर लेता हूँ। उसके बाद जो ये सारे के सारे टैग्स है वो कॉपी हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है। जस्ट मैं आ चुका हूं अपने वीडियोस पर फिर से, उसके बाद मैं जाऊंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जैसे जाता हूं उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे जितने भी टैग आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कट करना है और फिर से आप लोग को जैसे भी एक टाइटल का लेंथ है उतना आप लोग को यहाँ से कट कर लेना है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो साइड में यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन को जो है ऐड कर लिया। अब आप लोग क्या करना है, जस्ट इसको पहले वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को हर एक जो है टैग बन जाएगी, एक टैग ये हो गया, दूसरा टैग, तीसरा टैग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे ये टैग में भी काम आ जाएंगे आप लोगों को। जस्ट जो है पहला टैग को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद बैग जाना है, उसके बाद टैग वाले ऑप्शन में आना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना है। फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से बैग जाऊंगा, फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, ऐसे करके सारे के सारे जो टैग है लाइन बाय लाइन आप लोग को कॉपी कर लेना है और अपने डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड कर लेना है। फिर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में जैसे आता हूँ इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको मैं कॉपी करूंगा फिर से यहाँ पे मैं बैग जाऊंगा, फिर से जो है अपने टैग में जाऊंगा एंड टैग में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ऐसे तरीके से जो भी आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लगाया उन सारे के सारे कीबोर्ड्स को यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर लेना है और वो टैग में भी काम आ जाएंगे और वो कीबोर्ड में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे यहाँ पे जो कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है जस्ट आप लोग इसमें क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखो यार आपका कोई सा भी कैटेगरी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है, आपने किसकी वीडियोस को उठाया है और वो कौन सा कैटेगरी का वीडियोस है, ठीक है, आप लोग ये मैटर करता है और उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैरी मेनाटी की जो वीडियोस है वो रोस्टिंग वीडियो है और वो एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस को सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी को, ठीक है।
जैसे मैंने एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी को सेलेक्ट किया है उसको जस्ट यहाँ से मैं बैक जाऊंगा एंड सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, जस्ट यहाँ से बैक जाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे अनलिस्टेड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा, उसके बाद जस्ट जो वीडियोस को मैं पब्लिक कर दूंगा, सेव कर दूंगा और जो ये जो वीडियो है वो पब्लिक हो जाएगी और ये जो वीडियो है गाइस आपकी पब्लिक हो जाएगी। बस आप लोगों को 2 से 3 घंटे वेट करना, ऐसा नहीं कि यार आप लोग जस्ट अपलोड किए और जस्ट व्यूज आने लगे, ठीक है। बस आप लोगों को 2 से 3 घंटे वेट करना है, उसके बाद अपने चैनल पर अच्छा खासा व्यूज देखने को मिल जाएगा ऐसी वीडियोस पर, ठीक है। 99% जो है गारंटेड है, इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे तो आपके चैनल पर व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन एक बार आप लोग याद रखना कि आप लोग जो वीडियोस जो भी अपलोड करेंगे, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स वीडियोस को अपलोड करेंगे उसके जस्ट जो है, ठीक है, जैसे कि अभी 1 मिनट हुआ इस वीडियो को अपलोड की है, तो आप लोग को जल्दी से जो है कॉलैप करने का कोशिश करना है, ठीक है। तभी जाके आप लोग नंबर 1 पे आ सकते हो। एंड कीबोर्ड जो मैंने बताया रैपिड टैग्स वगैरह, ठीक है, गूगल पे जाके तो उस तरीके से करके भी अपने वीडियोस को नंबर 1 पे ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करना है, अगर यूट्यूब पे काम करोगे सही तरीके से काम करोगे तो जरूर आप लोग का जो वीडियो है नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। तो जो चीजें मैंने बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको यूज करना एंड फॉलो करना, तभी जाके आप लोग जो शॉर्ट वीडियोस है वो वायरल जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2024 है भाई, 2018-19-20 नहीं है, ये 2024 है, कंपटीशन बहुत है। सही तरीके से काम करो, 100% जो है आप लोग का वीडियोस वायरल होगा। सो मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा शॉर्ट वीडियोस को वायरल करने के लिए। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।